हेलो गाइस, सैफ्रन बैरियर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, कपल्स के लव को सेलिब्रेट करने का महाकुंभ वैलेंटाइन डे काफ़ी नज़दीक आ रहा है। हमें उम्मीद है आप अपने साथी के लिए इस वैलेंटाइन डे को खास बनाने के लिए रुपयों का जुगाड़ कर लिए होंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप इस वैलेंटाइन डे पर कौन कौन से गिफ्ट अपने पार्टनर को दे सकते हैं और उनको अपने बेहद ख़ास होने का एहसास दिला सकते हैं। हम लोग भारत देश में रहते हैं और यहाँ पर पल्स के लिए खुलेआम वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करना खतरे से खाली नहीं है। और आजकल कोरोना वायरस की वजह से स्कूल कॉलेज बंद है। आप ऑनलाइन शॉपिंग से अपने प्रिय को उनके मन को लुभाने वाला कोई अच्छा गिफ्ट ऑर्डर कर सकते हैं। यूट्यूब पर ऐसे वीडियोस की भरमार है जहां पर कुछ सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स आपको चॉकलेट, बेल्ट और शर्ट गिफ्ट देने का सुझाव देंगे, लेकिन उन्हें यह पता नहीं है कि अब चॉकलेट, बेल्ट और शर्ट का ज़माना बीत चुका है। अपने पार्टनर को एक परफेक्ट गिफ्ट देने के लिए सबसे पहले आपको अपने साथी की पर्सनालिटी समझनी होगी। आपको सबसे पहले यह जानना होगा कि उनकी रुचि कैसी है, तभी आप अपने साथी को एक ऐसा गिफ्ट दे पाएंगे जो उनके स्टूडेंट लाइफ या फिर वर्क लाइफ में प्रोडक्टिविटी ऐड करे। फॉर एग्जांपल, वो एक सामान्य सा पेन से होकर टैबलेट या नोटबुक भी हो सकता है। अच्छा, ऐसे समझते हैं कि अगर आपके बॉयफ्रेंड को शुगर है तो आप उन्हें चॉकलेट गिफ्ट नहीं कर सकते। ठीक यही बात वैलेंटाइन डे पर भी लागू होती है। कई बार हाव भाव से पता चल जाता है कि सामने वाले व्यक्ति को किस चीज़ की ज़रूरत है। आप यकीन मानिए, आप उनको ज़रूरतों के हिसाब से गिफ्ट देकर उनके वैलेंटाइन डे को बेहद खास बना सकते हैं। किसी व्यक्ति के पर्सनालिटी में फिट होने वाला बेहतरीन गिफ्ट सिर्फ उसे ही पता होगा जो उसके बेहद खास होता है। अगर आप फ्लावर्स देते हैं तो वह एक दिन बाद मुरझा जाएगा। गिफ्ट ऐसा दे जो ना रहने के बाद भी आपके रिश्ते को अपनी खुशबू से महकाता रहे। सही मायनों में एक सच्चा रिश्ता किसी गिफ्ट का मोहताज नहीं होता, लेकिन आपकी एक छोटी सी आदत उस खास रिश्ते को ताउम्र सजे रखती है। आप किसी के लिए सबसे खास गिफ्ट का चुनाव खुद ही कर सकते हैं। YouTube पर बस लोग आपको सुझाव दे सकते हैं। सबसे पहले आप अपनी फ़ोन की गैलरी में जाएं और उनके साथ बिताए हुए बेस्ट मोमेंट का इमेज इकट्ठा करें और एक प्यारा सा वीडियो बनाएं और उसमें उनका अपना फेवरेट सॉन्ग लगा दें और उसे सोशल मीडिया पर हर जगह अपलोड कर दें। उनसे अपने दिल की जो भी बात आप कहना चाहते हैं कहें। यकीन मानिए, ऐसा करने से आपके रिश्ते में प्यार मजबूत होगा और विश्वास बढ़ेगा। आप उन्हें दूसरा गिफ्ट आप उन्हें ये दे सकते हैं कि अगर आपकी कोई आदत उन्हें पसंद नहीं है और इस बात को लेके उनके और आपके बीच में काफ़ी झगड़े होते हैं, तनाव हो जाता है, काफ़ी कलह का माहौल उत्पन्न हो जाता है जिससे आप भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो आप अपनी उस आदत को, अपनी उस सोच को बदलिए। जैसा वो कहते हैं वैसा बनने की कोशिश करिए। यकीन मानिए, ऐसा करने से उनके और आपके बीच का अनवांटेड कलह खत्म हो जाएगा और आपके रिश्ते में एक नई ऊर्जा आएगी, नया विश्वास बढ़ेगा। ये उनके लिए सबसे बेस्ट गिफ्ट हो सकता है। और तीसरा गिफ्ट ये हो सकता है कि आप उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें और लॉन्ग ड्राइव पर जाएं। जितना हो सके उनके साथ बिताए अच्छे बुरे वक्त के बारे में उनसे बातें करें, अपनी लाइफ में आने के लिए उन्हें थैंक्स बोलें। इससे आपके रिश्ते में एक नई ऊर्जा आएगी और आपके रिश्ते में जो भी गिले शिकवे होंगे वो दूर होंगे और आप एक दूसरे के करीब आएंगे। किसी चीज़ की उनको ज़रूरत है और आपको पता है कि वो चीज़ उनके पास नहीं है, तब आप उन्हें वो चीज़ गिफ्ट कर सकते हैं। अब वो चीज़ चाहे बेल्ट हो, शर्ट हो, पर्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो भी चीज़ उनके पास नहीं है उनकी ज़रूरत के हिसाब से आप उन्हें दे सकते हैं। आप चाहते हैं आपकी कोई निशानी हमेशा उनके साथ रहे तो आप उन्हें रिंग दे सकते हैं या ऐसा कोई लॉकेट दे सकते हैं जिनमें आप दोनों की तस्वीर एक साथ लगी हो जिसे वो हमेशा पहने रहें।
दोस्तों, प्यार को बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा है कि आप लोग एक दूसरे की भावनाओं को समझें, उनकी आवश्यकता अनुसार उन्हें उपहार दें और उनसे वादा करें कि आप उनके साथ हमेशा खुश रहेंगे, उनके साथ रहेंगे। इससे बेहतर कोई भी उपहार नहीं हो सकता।